हाय गाइस, आज हमारे साथ मौजूद हैं सौम्या टंडन, हप्पू सिंह की गोरी मैम और हम सब की प्यारे भाभी जी। तो सौम्या जी, आपका बेसिकली पार्टी लुक क्या है? मैं अपनी रियल लाइफ में ज़रा भी मेकअप नहीं लगाती, मुझे मेकअप लगाने का ज़्यादा शौक भी नहीं है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेकअप बिना लगाए ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। फेस में एक तरह की मासूमियत और सॉफ्टनेस रहता है, स्पेशली जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन की होती है उन पर बहुत ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना पसंद नहीं है, मैक्सिमम मैं लिप ग्लॉस या आईब्रोज अपनी थोड़ी ठीक कर बस दैट्स ऑल आई डू, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई हैं, अगर बस चले तो मैं वो भी ना करूँ। और क्या अटायर मुझे पसंद है, डिपेंड करता है कि क्या वक्त और क्या मौका हो, मुझे सब कुछ पहनना अच्छा लगता है, इंडियन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा मौका होना चाहिए। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे कंफर्टेबल क्लोज अच्छे लगते हैं, और मुझे थोड़े फेमिनिन और गर्ली कपड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं। सो आई रियली लाइक वेयरिंग ड्रेसेस, आई लाइक गर्ली क्लोथ्स, तो थोड़े बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथ्स मुझे पसंद नहीं है, सिंपल एलिगेंट कट्स एंड डिफरेंट कलर्स। दैट्स प्रिटी। एंड व्हाट अबाउट हेयर स्टाइल? हेयर इज़ ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम, आई हैव अ वेरी बैड हेयर डेज। हेयर, आई जस्ट कीप माई हेयर स्ट्रेट एंड जस्ट लूज, आई डोंट डू मच विथ माई हेयर। इफ आई हैव टू गो फॉर एन इवेंट और समथिंग, देन ऑफकोर्स आई टेक द हेल्प ऑफ माई हेयर स्टाइलिस्ट एंड कर्ल दैम और डू डिफरेंट स्टाइल्स और टाई दैम अप। सो अदरवाइज आई एम अ प्रीटी कम्फर्टेबल जोन गर्ल, आई डोंट लाइक टू रियली रियली ड्रेस अप टू मच। सो आपका सबसे नापसंद हेयर स्टाइल कब हुआ था और कैसे हुआ था? मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मेरी नापसंद रही हैं। मेरा पहला शो था वही मैं आपको बता रही थी, जहाँ पर मैं एक हाफ ब्रिटिश गर्ल बनी थी, और वो शो लंदन में हमने शूट किया था। तो उन्होंने क्योंकि मेरी मतलब मुझे बहुत लास्ट मिनट चूज़ किया गया था, पहले शायद वो शो कोई और लड़की कर रही थी, तो एक गोल्डन विग बनाया था उन्होंने, और वो विग मेरे साइज़ का नहीं था, वो पहले जो लड़की आने वाली थी उसका साइज़ का था, तो वही विग उन्होंने मुझे पहना दिया। अब मेरा इतना छोटा सा सर और इतना बड़ा वो विग, उसमें मैं बिल्कुल जोकर और कार्टून लगती थी। और उस वक्त क्या था कि नए हैं तो हम कुछ बोलते भी नहीं थे ज़्यादा, और हमें पता भी नहीं होता था कि किस तरह से किसी से बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। इमीडिएटली कॉलेज के बाद आ गए तो इतना कॉन्फिडेंस और इतनी श्योरिटी भी नहीं होती थी, तो वो कुछ वक्त का जो उस वक्त का जो दौर है, और मेकअप भी अब तो मैं ख़ुद करती हूँ, पहले इतना नॉलेज नहीं था, तो वो अब उस मतलब मेरे चेहरे बहुत वाइट था, वाइट स्किन है, तो उसको वो ब्राउन कर देते थे, तो मैं बिल्कुल जोकर लगती थी। हे भगवान, वो अगर वो क्लिप या वीडियो मेरे सामने आ जाता तो मुझे दहशत हो जाती है। सो सौम्या जी, आप मुझे अब ये बताइए कि कोई तो आपका ऐसा हेयर स्टाइल रहा होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, सो आप शेयर करना चाहेंगी वो एक्सपीरियंस? हमेशा से ही ना मेरे लंबे बाल रहे हैं जी, और कभी छोटे बाल कटाने की हिम्मत ही नहीं हुई, जब इनफैक्ट बचपन में तो मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे और लंबी लंबी चोटियाँ मैं बना कर जाती थी स्कूल में। और हमारी इंडस्ट्री में आते हैं तो बड़ा हेयर अब्यूज़ हो जाता है, बहुत सारा हीटिंग प्रोडक्ट्स, स्टाइलिंग, तो उससे बाल ना ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं जब बीच में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने लास्ट के महीनों में ना अपने बाल पूरे कटा दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उन कुछ महीनों में शूट नहीं करने वाली हूँ, तो कोई कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा, तो मैंने अपने बाल बिल्कुल छोटे कर लिए थे, और लंदन में जाके मैंने बाल कटा लिए थे, और मुझे ऐसा लगा कि वो हेयर स्टाइल मुझे बहुत सूट करता है, छोटे बाल मुझ पर बहुत सूट करते हैं। तो आई वॉज टोटली इन्जॉइंग दैट मेकओवर, और बहुत मज़ा आया, और उसको देखकर लगा कि अरे मैं इतने दिनों तक मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ये, लेकिन अभी फिर से लंबे हो गए हैं बाल, लेकिन जैसे ही ब्रेक मिलेगा शूट से या कोई नया प्रोजेक्ट होगा तो फिर मैं काटूं। और एक्चुअली आजकल ये भी है ना, बिकॉज शॉर्ट हेयर इज़ समथिंग जो सबको सूट करता है, सो नॉट एवरीबडी, मोस्टली एंड इट्स इन ट्रेंड टू, राइट? सो या एक्चुअली जिनके चेहरे बहुत छोटे होते हैं और जिनके चेहरे छोटे होते हैं उनके ऊपर बहुत सूट करता है। या करेक्ट। यूजुअली घर में जब आप फ्री होती हैं, अपने कंफर्टेबल जोन में होती है, तो आप कौन सा हेयर स्टाइल प्रेफर करते हैं?
जब डिपेंड करता है एक्चुअली, अगर सिर्फ घर में होती हूँ तो मैं पोनीटेल बना लेती हूँ, अगर एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ तो यूजुअली आई प्रॉपरली वेयर अ बैंड, क्योंकि मैं पिलाटस ट्रेनिंग करती हूँ और पिलाटस में बाल एकदम पीछे होने चाहिए नहीं तो वो मशीन में अटक जाएंगे, तो यूजुअली आई प्रॉपरली वेयर अ बैंड एंड कवर इट अप. और अगर मैं बाहर जाती हूँ यूजुअली मैं सिर्फ उसको नॉर्मल स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेट लुक रखती हूँ सेंटर पार्टिंग में, सिंपल लुक. और कभी अगर बाल गंदे हों या ठीक से धोए नहीं हों और अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो आई जस्ट हैव अ बिग बैंड, उसके अंदर मैं अपना जूड़ा बना के उसको अंदर फोल्ड कर देती हूँ एंड इट जस्ट गोज इनसाइड द एंटायर बैंड. वेरी स्मार्ट, मतलब बैड हेयर डेज का ट्रिक. एंड आप सोते टाइम कौन सा यू नो कैसा प्रेफर करती है हेयर रखना? सोते टाइम तो जैसे कि हमें सभी लोगों ने बताया और हमें पता भी है कि बाल हमेशा खुले रहने चाहिए. अगर बंधे हुए बालों में सोएंगे तो फिर वो जब हम करवट लेंगे तो वो अटक जाते हैं हमारे रफल्स में या रबर बैंड्स में और बाल बहुत टूट जाते हैं. तो डेफिनेटली सोते वक्त बाल हमेशा खुले ही रहने चाहिए. सो या यू लेट योर हेयर ब्रीद. Yes, yeah. And also they get entangled and they get broken if they are tied. Oh yeah, yeah, yeah. So Soumya ji, अगर आपके सामने कोई ऐसा challenging character आए जिसकी एक condition हो कि आपको head shave करना पड़ेगा, तो क्या आप वो character करेंगी? But I will definitely shave my hair. You'll shave your hair. Absolutely. इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं इवन इन द फिल्म इंडस्ट्री वो अपने बालों के साथ बहुत कम एक्सपेरिमेंट करती हैं. दैट्स ट्रू. अगर उनको छोटे बाल भी बनाने होते हैं तो वो विग्स लगा लेती हैं लेकिन वो कभी भी अपने बाल कम्प्लीटली कैरेक्टर के हिसाब से चॉप नहीं करती. शायद इसका ये भी कारण है क्योंकि हम लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करते हैं तो कहीं कंटिन्यूटी कोई जर्क होता होगा शायद, इसलिए नहीं करती होंगी. लेकिन आई रियली फील गर्ल्स इन आर इंडस्ट्री डू नॉट एक्सपेरिमेंट विथ हेयर. कैरेक्टर के हिसाब से बाल, सभी लोगों के एक ही स्टाइल के बाल होते हैं. और मुझे अगर ऐसा कभी मौका मिलेगा तो मैं कोई उसमें प्लास्टिक या मतलब जो मेकअप के हमारे जो नेट्स होते हैं वो ना पहन के आई विल डेफिनेटली लाइक टू शेव इट ऑफ एंड डू द कैरेक्टर इन अ मोर रियल वे. So, aisa lag raha hai, you are like somebody who like challenges in their life. So, you know, he'll grab it or something like definitely, that. Definitely, definitely. बहुत कम मौके मिलते हैं जहाँ बहुत powerful female oriented characters हमारे industry में मिले. और अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा, I'll definitely do it. I'll sweet. So, आपका basically party look क्या होगा अगर आपको कहीं जाना है and it's like a very you know grand party, then what will you prefer? Depends on what dress I'm wearing. If I'm wearing a sari, like a nice traditional looking sari or a lehenga, I like to tie my hair in a, like a clean bun. And you know, with a center parting and keep my face really clean. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और चूँकि मेरा चेहरा छोटा भी है तो कि जितना चेहरा दिखे उतना खूबसूरत लगता है, झुमके भी खूबसूरत लगते हैं और वो बड़ा क्लीन लुक अच्छा लगता है. अगर मैंने कोई गाउन पहना होगा और अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हाई नेक गाउन है और उसके ऊपर टाई अप अच्छा लगेगा तो मैं फिर उसको थोड़ा सा मॉडर्न रिंकल थोड़ा मेसी बन इस टाइप का कुछ बनाऊंगी. और यूजुअली क्या होता है, जो हाई नेक अगर आपके कपड़े होते हैं तो उसमें बाल टाइड या क्लीन अच्छे लगते हैं. और अगर बहुत डीप नेक या वी नेक्स होते हैं उसमें बाल खुले अच्छे लगते हैं. सो द मोमेंट यू गो फॉर अ हाई नेक यू फील लाइक, जैसे अगर आपने हाई नेक कोई पोलो टी शर्ट या स्वेटर पहना है यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ वेरी हाई पोनी टेल, दैट विल लुक नाइस. और अगर कोई डीप कट ब्लाउज है या डीप नेक है तो उसमें फिर खुले हुए बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो या इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ड्रेस यू आर वेयरिंग. या दैट्स रियली ट्रू. सो यू नो आपका क्या ओपिनियन है उन एक्ट्रेसेस को लेके जो यू नो हेड शेव कर लेती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा बॉय कट ले लेती हैं? So like, what are your views about that? I don't have any views on that. It's their choice. But still, I have no views, yaar. I feel everybody should and is allowed to do what they feel and they want to do in life. So, mera koi opinion nahi hai kisi ke baare mein. तो सौम्या जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपको हमने रियल लाइफ में जाना, बहुत मज़ा आया.